पड़ोसन। आ गया। मैं आ गया, लेकिन मुझे यहां जबरदस्ती लाया गया। डरो मत, आज रात को ही तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। मुक्ति? हाँ, आखिर मुझे भी तो अपनी सेंचुरी पूरी करनी है। ये कौन सी सेंचुरी की बात कर रहा था? फांसी देने की। दरअसल ये यरवदा जेल में जल्लाद था। 99 फांसी देने के बाद इसका रिटायरमेंट आ गया था ना। सेंचुरी पूरी न करने गम में पागल हो गया बेचारा। बाप रे, पर आज आपको फांसी जरूर दे देगा। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मुझे नहीं मरना। तो बहुत अच्छा है रे, बहुत अच्छा। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। डोंट वरी, तुम्हारी लाश को सीधे तुम्हारे घर ही पहुंचा देंगे। ये मैं कहां फंस गया, ये मैं कहां फंस गया है भगवान। What? तूने मुझे पुकारा? नहीं तो? अभी तूने भगवान को याद किया ना? हाँ। तो मैं ही भगवान हूँ। अच्छा, भगवान है? बोल, तुझे क्या कष्ट है? भगवान, मैं पागल नहीं हूँ, फिर भी इन लोगों ने मुझे यहाँ बंद करके रखा है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखता नहीं, मुझे भी मंदिरों में कैद कर रखा है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में बांट दिया भगवान को। धरती बांटी, आसमां बांटा, अब बांट रहे इंसान को। एनीवे, और कुछ नहीं, थैंक यू वेरी मच। चल 50 रुपया निकाल। 50 रुपया? मैं एक बार दर्शन देने के 50 रुपए लेता हूँ ना। ओ, मतलब भगवान भी डॉक्टरों की तरह विजिटिंग फीस लेने लगा? क्यों, क्या भगवान के बाल बच्चे नहीं होते? ओ, लेकिन भगवान, मेरे पास 50 रुपए नहीं है। कड़के, जेब में 50 रुपया नहीं, और चला है भगवान के दर्शन तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अरे तुम दोनों इतना हंस क्यों रहे हो? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? सुन, आज रात ठीक 3 बजे का टाइम फिक्स किया है तुम्हें लटकाने का। क्यों? मुर्गे के बोलने से पहले ही तुम्हें खामोश कर दिया जाएगा। अरे ये मुझे फांसी देने पर क्यों तुला हुआ है? डर मत, ये जो भी नया आता है उसे इसी तरह हूल देता है। इसके पास तो फंदा बनाने के लिए रस्सी नहीं है। फिर से आ गया। एक खुश खबर है। क्या, तेरी शादी तय हो गई? शादी की खबर खुश खबर नहीं होती, वो तो मनहूस खबर होती है। तो फिर क्या खुशखबरी है? एक्चुअली फंदा बनाने के लिए रस्सी का बड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। लेकिन कैसे? क्या है कि कल सबके पैजामों में डालने के लिए नाड़े के बंडल मंगवाए थे। मैंने एक पूरा का पूरा बंडल ही मार दिया है, ये देखो। अरे यार, तू मेरा पीछा छोड़ने का क्या लेगा? तुम्हारी ये नन्ही सी जान। मेरी जान तो ऐसे मांग रहा है जैसे बनारसी पान। जालिम लोग, सारे के सारे जालिम लोगों ने मुझे यहां फंसा दिया और खुद मां जुड़ा रहे होंगे। नहीं नहीं, रोते नहीं है। अचानक कैसे हुआ ये गजब?
अरे क्या बताऊं, रात तक तो ठीक थे, सोने से पहले मुझे लेफ्ट राइट भी कहा था। गुड नाइट। हाँ, रात को जब सोए तब हिम्मत वाला के जितेंद्र जैसे लग रहे थे, और सुबह जब उठे तो खिलौना के संजीव कुमार हो गए। भाभी, पक्का नींद में गलती से उनकी खोपड़ी पर आपका हाथ पैर गिर गया होगा। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है ये सब अचानक नहीं हुआ है, मैं बहुत दिनों से देख रही थी, रोज बस स्टॉप पे घंटा घंटा तक खड़े रहते थे, मुझे तो तभी लगने लगा था कि ये पागल हो गए हैं। वो तो आपके पीछे पागल हुए होंगे, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हाँ सो तो है, भले ही पानी कम चाय हो, पति पति होता है, पति बगैर की अकेली औरत को समाज की भेड़िए नोच खाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अब ये पहाड़ जैसी औरत हिमालय पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी। अर्चना, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। अब बुरा मानकर भी क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा खुद पागल हो जाएगी। ए चुप, कहो रमोना, क्या कहना चाहती हो? मेरे पति के एक चाचा जी हैं, पिछले साल ही उनकी तीसरी बीवी मरी है, बुढ़ा इतना रोमांटिक है कोई काम वाली भी नहीं टिकती। नहीं नहीं, हमारी भाभी किसी ठरकी बुड्ढे के यहाँ काम करने नहीं जाएगी। मैं काम करने की नहीं, इनके शादी की बात चलाने की राय दे रही हूँ। क्या कहा? मेरे पति के जीते जी तू मुझे दूसरा संसार बसाने को कह रही है? हाँ, अब पागल पति और वनस्पति घी के डब्बे में फर्क क्या रहता है? अदालत तुम्हें एक ही मिनट में तलाक दिला देगी। निकल जाओ, फौरन यहाँ से निकल जाओ। अरे मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही थी। अरे जो खुद अपना भला नहीं सोच सकती तो आप सोचने वाली होती कौन है? चलो चलो रमन्ना, भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। चलो चलो यहाँ से, चलो क्या लेना देना है। अरे अरे भाभी जी, रोइए मत, आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए, अभी भी मार्केट में आपकी कितनी डिमांड है। अभी तो आपके पति सिर्फ पागल हो गए तो लोग आपका हाथ मांगने आते हैं, भगवान ना करे अगर कुछ उन्हें हो गया तो कितने रे